गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इट इज़ द लेक्चर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई एंड आरबीएसई चैप्टर 7 लेक्चर 5. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट 15th ग्रुप एलिमेंट्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 16. व्हाट इज ग्रुप 16? लिसन, देखिए 16 ग्रुप में क्या है. 16 ग्रुप में इफ यू सी दैट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलीनियम. ओके, ये होते हैं सारे के सारे. ये आपको निकालना बताया हुआ किस तरीके से निकालेंगे. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन का 8 है कॉन्फिग्रेशन, हीलियम 2s2 2p4, सल्फर का 16 है, नियॉन 3s2 3p4. यानी ये आपका n बराबर 2 है, ये आपका n बराबर 3 है, ये आपका n बराबर 4 है. तो 4 तो यहाँ पर शेल नंबर है, और यदि 4 है तो 4 से पहले 3 दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपको. ठीक है, ठीक. इसी तरीके से टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम कौन से, उसका n बराबर 5, शेल इसका 5 है, तो 5 से पहले 4 दिया जाएगा. और यहाँ पर n बराबर 6 है, तो 6 से पहले 4f और 5d दोनों आ जाएंगे. तो आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी. ओके, नाउ गो टू दी जनरल कॉन्फिगरेशन. यदि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, बिकॉज द चैप्टर टेल्स अबाउट द ग्रुप, ग्रुप के बारे में. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का मतलब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. तो ग्रुप का जनरल कॉन्फिगरेशन है NH2NP4. ओके, सेकेंड है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में क्या है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे, आपको भी पता है कि जैसे यदि हम जनरल ट्रेंड पढ़े तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज जो है वो बढ़ जाता है. तो जो रेडियाई है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ जाएगा. साइज क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि शैल बढ़ जाता है, कोश की संख्या बढ़ जाती है. ऊपर देखो, ऊपर टू, यहाँ पर 2 शैल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है. तो पहले वाला 2 का था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का. तो शैल बढ़ता जा रहा है, कोश की संख्या बढ़ती जा रही है, तो साइज बढ़ती जा रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेकिन यदि हम पीरियड में देखें, 15 ग्रुप से यदि हम कंपेरिजन करें, हमें सबका कंपेरिजन नहीं करना है, यदि हम सिर्फ 15 और 17 से ही कर सकते हैं. 15 से कंपेरिजन करेंगे तो रेडियाई क्या है, डिक्रीज हो जाएगी. इधर से उधर जाने पर साइज जो है वो कम हो जाएगा. बता सकते हो क्यों रेडिया डिक्रीज क्यों जाएगी? क्योंकि क्या हो रहा है, रेडिया डिक्रीज का मतलब साइज जो है कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक तो देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. टॉप 15वें ग्रुप के कंपैरिजन में 16वें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, तो क्या बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया. अट्रैक्शन बढ़ गया यानी प्रोटॉन का अट्रैक्शन इज इंक्रीज. प्रोटॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने आप खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आप पुल कर लेगा, देन साइज विल डिक्रीज, रेडियाई विल डिक्रीज. नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखिए क्या है. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इफ वी एड वन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर. तो आयनाइज करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आप यहां पर देखो, 15th ग्रुप का कॉन्फिगरेशन है 2s2 2p3. मैं नाइट्रोजन की बात बता रही हूँ यहाँ पर. नाइट्रोजन को मैं ऑक्सीजन से कंपेयर कर रही हूँ. 15th ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है. नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है 2s2 2p3 और इसका है 2s2 2p4. ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू आयोनाइज. वी कैन से टू आयोनाइज और टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या उसको आयनाइज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम आप देखो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है, 2p3 है, क्योंकि स्टेबल है. तो इसमें से आसानी से ये हाफ फिल्ड होने के कारण ये स्टेबल, तो इसमें से आसानी से नहीं निकलेगा, जबकि इसमें से आसानी से निकल जाएगा. ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड है, तो यहाँ से निकालना मुश्किल है, ये कम में निकल जाएगा. लेकिन सेकेंड में देखो, सेकेंड आयनाइजेशन
वैकल्पिक यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p3। तो नाउ इट इज हाफ फिल्ड, सो देयर इज अ डिफिकल्टी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड केस में ये वाली चीज हो जाएगी। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब किसी भी एलिमेंट में यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर सबकी एंथैल्पी लिख दी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ऑक्सीजन की माइनस है, सबकी माइनस में है, लेकिन इसकी माइनस 414 है, इसकी 200 है। तो इसकी क्या लेस नेगेटिव है, दो नेगेटिव वैल्यू दी हुई, तो लेस नेगेटिव कौन सी है, ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है ना। ये माइनस 200 का मतलब ये मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है। यदि ये लेस नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है। अब लेस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज होता है छोटा। देखो 2s2 2p4 पी में जाएगा, ये पी है, तो इसमें अब आप एक इलेक्ट्रॉन को लोगे। वैसे तो नॉन मेटल में सब में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, बट इसका साइज छोटा है तो ये इसका साइज छोटा है और इसमें आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, हम इसको जबरदस्ती देंगे। एंड व्हेन वी डू, हम उसको जबरदस्ती दे रहे तो हमें ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है तो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर, ये 11th में आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लेस नेगेटिव है। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए, फिर सल्फर की मोर है, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। उसके बाद ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाता है तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। ऑक्सीजन पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सेकंड ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, फिर मेटालिक कैरेक्टर को देखिए। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब धात्विक गुण या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति जो है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है बढ़ती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है 7th ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 16th ग्रुप की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -2। यानी जो 16वां ग्रुप है वो -2 तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, और +4 से लेकर +4 और +6 ज्यादातर दिखाता है, कॉमन है। और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, -2 से लेकर +6 तक दिखा सकता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, निकालना आना चाहिए। जैसे H2O है, देखो H2O में कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। OF2 में कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 ही है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की +2 है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, -1। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि एक फ्लोरीन की -1 है तो इसकी कितनी हो गई, -2। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, +2। तो ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर, +2। समझ में आ रहा है, मैं आपको अलग अलग दिखा रही थी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट। SF6 में देखो +6, SO3 में देखो +6, SO2 में देखो +4। ठीक है, मतलब मैं ऑक्सीजन की नहीं बता रही, आपको ये देखना है कि जिसकी भी हम निकाल रहे हैं, सल्फर भी तो इसी ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन स्टेट क्या है, +6 और +4 है। तो +6 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे वैल्यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, कम हो जाती है, और +4 की नीचे से ऊपर बढ़ जाती है। ये आपको 13, 14, 15 ग्रुप में भी बताया हुआ है कि जो दो नंबर का डिफरेंस रहता है +4 और +6 में, +6 ऊपर से नीचे, +6 ऊपर है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या, नीचे एलिमेंट्स कैसे होते जा रहे हैं, हैवियर होते जा रहे हैं। तो उनमें क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब एस इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो मैक्सिमम कितना दिखा सकता है, +4 ही दिखा सकता है, +6 तो दिखाएगा ही। तो नीचे के एलिमेंट में +4 स्टेबल होती है, ऊपर के एलिमेंट्स में +6 स्टेबल होती है। क्लियर,
फिर है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में देखिए कि कैसे नजर से ऑक्सीजन जो है वो टू फॉर्म में मिलती है हमें, एलिमेंटल फॉर्म में, एक तो ओ टू के फॉर्म में और एक ओ थ्री के फॉर्म में, यानी डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में और ओजोन के फॉर्म में। तो इसकी एटोमेटिसिटी कितनी है, दो, यहाँ दो परमाणु तो आपने ले रहे हैं, यहाँ पे तीन, इसकी परमाणुता है तीन, ठीक है। सल्फर की कितनी होती है, एक। ये सभी सल्फर जो है वो क्या दिखाता है, एलोट्रॉपी दिखाता है, जैसे कार्बन दिखाता है, ठीक है, एलोट्रॉपी भी दिखाता है और कैटिनेशन भी दिखाता है। कैटिनेशन का मतलब चेन बनाने की टेंडेंसी, ठीक है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ क्यों रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि क्या हो रहा है, एटोमेटिसिटी बढ़ रही है और यू कैन से मोलर मास बढ़ रहा है। यदि मोलर मास बढ़ेगा तो कंपाउंड को ब्रेक करने में मुश्किल होगा, ठीक है। तो एटोमेटिसिटी बढ़ने के कारण, मोलर मास बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं कि है ना, ऑक्सीजन जो है वो पूरे ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। वाई? क्योंकि एक तो इसका साइज स्मॉल है, और एलिमेंट के कंपैरिजन में इसका साइज स्मॉल है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सबके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इफ डी ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट देन इट विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, तो ये अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ओके, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखिए क्या है, यदि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सी ग्रुप का, 16 का कोई भी एलिमेंट है, उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, EH2 बना लेगा। जैसे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो बन गया H2O, ठीक है, H2O। सल्फर की कराई हाइड्रोजन से तो क्या बन गया, H2S। ओके, लाइक दैट। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है। कि यदि आप सारे हाइड्राइड्स लिख ले, आपके पास EH2 है, मतलब आप देखो H2O है, H2S है, H2TE है, यदि ऐसे सारे हाइड्राइड लिख लिए, सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड लिख लें हम, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। वाई एसिडिटी इंक्रीजेस, अम्लता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही, बॉन्ड जितना लंबा होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा, उतनी कम एनर्जी में टूट जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी डिक्रीज होगी, इसका मतलब वो कंपाउंड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी HN देगा, और जितनी जल्दी HN देगा उतना ही एसिडिक होगा। ओके, फिर उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज है, ये सिर्फ हाइड्राइड्स की बता रही हूँ, हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप, कि ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, थर्मली स्टेबल कम होता जा रहा है। कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो रही है, यानी बहुत अदर आएगी प्रपोर्शन, यानी यदि बंद वियोजन ऊर्जा कम होगी तो वो थर्मली स्टेबल कम होगा, किसी भी बंद की यदि बंद वियोजन ऊर्जा, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि कम है तो वो आसानी से टूट जाएगा, यदि वो आसानी से टूट जाएगा इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर। फिर है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है, यानी इन सभी एलिमेंट्स में, ओ को छोड़ दो बाकी के बाद सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड्स, मतलब सिर्फ एलिमेंट नहीं हाइड्राइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो अंडर गो ऑक्सीडेशन, यदि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसे काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और यदि वो रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन।
कि यदि हम किसी भी एलिमेंट की यदि हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें, ठीक है, यदि तो आप देखो ये जितने भी एलिमेंट है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पॉलोनियम ये डाइऑक्साइड भी बनाते हैं ट्राइऑक्साइड भी, जैसे देखो SO2 SO3 O2 O3, तो डाइऑक्साइड भी बन रहा है और ट्राइऑक्साइड भी बन रहा है, ओके। अब आप यहां पर देखो यदि हम O2 की बात कर रहे हैं, यदि हम डाइऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, एसिडिटी इनकी डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑक्साइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इनकी एसिडिटी कम होती चली जा रही है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है वो भी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता चला जा रहा है क्योंकि एसिडिटी कम होती चली जा रही है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो रहा है इसका मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देखो जैसे SO2 है, SO2 से आप SO2 है और SO3 है, SO2 को आप SO3 में बदलोगे तो यहां पर देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SO2 कैसे काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, और यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है इट मीन्स इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आपको पता है नीचे के एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अरे इस चीज को आपको ऐसे समझने की जरूरत है कि नीचे के एलिमेंट ऊपर का एलिमेंट +6, ऊपर के एलिमेंट जो है वो +6 से +4 में जा सकते हैं, तो +6 से +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +6 से +4 में जा सकते हैं, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, यदि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, हैलोजन के साथ आप रिएक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, जैसे सल्फर है फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगी, H2F2, फ्लोरीन के साथ दो मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना लेगी, SF4, तीन के साथ मिलकर क्या बना लेगी, SF6। तो ये डाइहैलाइड भी बनाते हैं, टेट्राहैलाइड भी बनाते हैं और हेक्साहैलाइड भी बनाते हैं। अब आप देखो कि ऊपर से नीचे जाने पर इन हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आप SF4 देखो, SF4 में आप इसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए क्या है, सल्फर का निकालिए 2S2 2P4, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, S2P4 है ना, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए फटाफट से, ग्राउंड स्टेट है ये यदि ग्राउंड स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2S2 2P4 नहीं है, 3S2 3P4 है, तो अब आप देखो कैसे होगा, ये 3S, ये 3P, 4 और एक 5, ये 3S, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए बताइए, SF4 की बात कर रही हूं मैं, तो SF4 में देखो क्या होगा, SF4 में यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर वापिस से देखिए आप इसको, सल्फर का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d इज 0, तो 3s की बना दी आपने, 3p4 की बना दी, 1 2 3 और 4, ओके। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक दो तीन और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला गया, ओके। अब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
शेप कैसे होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है स्टिफिडिटी का, ठीक है, जिसमें से तीन चार के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये स्क्लोरीन से, एक स्क्लोरीन से, एक स्क्लोरीन से और एक स्क्लोरीन से, तो फोर फ्लोराइड्स हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो अब आप देखिए एफ 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 इस पे बोन पे, तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई? सी सॉ, जो कि इरेगुलर टेट्राहेड्रन है। ओके, तो आपको ये निकालना आना चाहिए क्योंकि ये आपने रावण का पढ़ा हुआ है। जस्ट लाइक SF6 बनाओगे, अब जब आप SF6 बनाओगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। देखो 3s2 3p4, ठीक है, 3d खाली है आपके पास, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में है सल्फर का। और अब आप देखो एक यहां से, एक यहां से, एक दो तीन, ये तो किसके हैं? सॉरी, ये तो p है, ठीक है। अब डी बना लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जाएंगे। तो देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो ऐसा सिक्स की स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sp3d2। sp3d2 किसकी स्ट्रक्चर होती है? ऑक्टाहेड्रल। यानी कैसी बनेगी स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनेगी सेंटर में s, f f f एंड f लाइक दिस। तो इसको आप रीड करेंगे, ये मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज बता दी है। थैंक यू।